चक्कर छोड़ दो। देखो अगर किसी दिन कोई आत्मा यहाँ आकर वापस नहीं गई तो मारे जाओगे तुम। अरे सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ? कोई है खिड़की पे। ये कौन है? मैंने तो किस आत्मा को नहीं पढ़ा था। देखा, मुंह पका दिया। तुम ये सब बंद करो। फिर कोई है? रुको। देखो देखो अभी आत्मा इस दरवाजे पे आ गई। चुप करो, आत्मा दरवाजा खटखटा के नहीं आती। जाओ जाओ, जाके दरवाजा खोलो। मुझे आपसे। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम सुशांत है और आगे बोलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? मुझे किसी ने बताया है कि आप मरे हुए लोगों से बात करते हैं। किससे बात करनी है तुम्हें? अपनी मॉम से। उनकी कल ही मौत हो गई, आत्महत्या कर ली उन्होंने। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम अपनी मॉम को मरने के बाद भी परेशान करना चाहते हो? कागज का वो एक टुकड़ा जो मरते वक्त उनके हाथ में था। क्या हुआ? ये पेपर। पेपर? प्लीज ये पेपर हमें दे दीजिए। ये एक पेपर है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। उंगलियां खुली नहीं रही है। पेपर खींच के देखता हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? अरे पेपर फाड़ दिया। मॉम का पेपर। ये क्या? देखो सुनो, देखो देखो, ये भैया ये इसका क्या मतलब है? पता नहीं मॉम ने ये क्या बना दिया है, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा मॉम के हाथ से निकालना होगा। देखिए जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती थी कि। हाँ ब्रो, शायद मम्मी नहीं चाहती थी कि हम इसे हाथ लगाएं। मम्मी ठीक कह रही है। क्या हुआ? अरे मॉम हंस रही थी अभी। मरने के बाद कोई हंस सकता है? उंगलियां खुली नहीं रही है। भैया मैं चाय करूं? अरे ये तो इतनी आसानी से निकल गया। लाइए मैं देखता हूं क्या है। लाइए। मैं अपने पूरे होश व हवास में अपनी मर्जी से अपने दोनों बेटों को रोज रोज झकलता हुआ देख के आपस में मैं तंग आ चुकी हूं। मेरे इस फैसले का जिम्मेवार कोई भी नहीं है। वसीयत? जी हाँ, मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी बेटी सारिका और अपने बड़े बेटे अपूर्वा के नाम करती हूँ। क्या मतलब मॉम ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं भी तो इन्हीं का बेटा हूँ। ये बस मैं मॉम से यही जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? एसएस साहब, प्लीज हेल्प मी। है कहाँ तुम्हारी मॉम? क्या उनका अंतिम संस्कार हो गया? नहीं नहीं, उनकी लाश अभी भी मॉर्ग में रखी हुई है हॉस्पिटल में। ठीक है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप?
गलत है। प्लीज 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 आप अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करो। हाथ बहुत जल रहा है मेरा। जल रहा है ना, जल रहा है ना, यही ठीक है तुम्हारे लिए। इस पाउडर को ले जाओ और अपनी मां के माथे पे लगाना, पर बहुत ही ध्यान से। उसके बाद अपनी मां को पुकारना, उन्हें आवाज देना। उसके कुछ समय के बाद तुम्हारी मां तुम्हारे सामने होगी तुमसे बातें करने के लिए। पर सुनो, ऐसा काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। से बात करने मुर्दा घर में गए, वहां तो और भी मुर्दे होंगे। पागल हो गया वो, अब मरे हुए लोगों से भी कभी कोई बात कर सकता है? कभी वो लोग मेरे बेचारे। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो मरे हुए लोग। मरे हुए लोग? मुर्दे मुर्दे तुम्हारे पीछे कैसे आ सकते हैं? अरे वो सिर्फ हो गए, उन्होंने मारा मुझे भी। देखो हे भगवान, अब हम भी मारे जाएंगे। क्या हुआ? मुर्दे के पीछे कोई है। कौन है वहां? कौन है वहां? अब भैया रुक जाओ। कौन है? कौन है यहां पर? ध्यान से। कौन हो? बाहर आओ। कौन हो तुम? कौन है? अरे ये क्या, ये क्या हो गया? ये मुर्दे गायब कैसे हो गए? क्या हुआ सर? खून, ये कहां से आया? ये कैसे हो सकता है? लाश में से खून? चादर उठाओ, उठाओ चादर। ऐश्वर्या होश में आओ। जो होना था वो हो चुका है, अब यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, वो है, वो
जरा देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो देखो, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या हुआ? एक आदमी था वहां पर, अभी उतर गया। कहां? ये नहीं हो सकता। सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए पैसे। ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज? हाँ, वो पैसों के बारे में कुछ बात कर रही है। मैं कह रही हूँ वो मरे हुए लोग हैं, और तुम कह रहे हो माँ की आवाज है? हाँ, किसी को कम, माँ ही है, किसी को ज्यादा। मैं देखता हूँ ये कैसे हो सकता है। संभल कर जाना। अता क्यों नहीं? अपूर्व बहुत अच्छा लड़का है। मैं मां से अकेले ही मिल लेता हूं, सारे पैसे मुझे ही मिल जाएंगे, तो कानों कान खबर भी नहीं होगी। से बांटने की बात कर रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मॉम तो वहां मुर्दा घर में है। अंदर मम्मी की आवाजें आ रही है। सुनो सुनो, सुशांत को पैसे ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुना? नहीं, ये मॉम नहीं है, मॉम तो वहां मरी पड़ी है, वो तो उठी भी नहीं थी, बाकी मुर्दे उठ गए थे। ये देखो, सबको भागो यहां से, भागो। तुम्हारे फायदे की बात कर रही है, आओ आओ चल के बात कर लो। आ जाओ।
मम्मी मम्मी मैं कह रहा हूं ना कोई नहीं है। सारिका बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक भी पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। मैं बोला माँ मेरी बात सुनेंगी। नहीं माँ मॉम 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 मैं सारिका दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं तीनों से बात किए बगैर जाना नहीं चाहती, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। लॉक काट देते। हाँ सारिका तुम जाके स्टोर से 100 ले आओ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। सुनो अगर मॉम दरवाजा खोलेगी तो मुझे बुला लेना। हाँ अरे मॉम मर चुकी है। पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैंने खुद मॉम को अपनी आंखों से देखा था। वो वहीं पर बैठी थी, मुझे घूर-घूर के देख रही थी। और क्या? उनकी आज्ञा नहीं थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया। तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। मम्मी तो वहां है कमरे में। उनकी आवाजें भी कमरे में से ही आ रही हैं। चलो जल्दी चलो। काश कोई जल्दी मेरे पास आ जाए, मेरी बात सुन ले। हमारे मम्मी करोड़ों रुपए का सवाल है। बस हो गया मम्मी, हो गया। नहीं, भागो यहां से, भागो, भागो। रुक जा, रुक जा, रुक जा। यार हम इस तरह नहीं भाग सकते। अंदर मेरी वाइफ की लाश लटकी है यार। देर में हमारी लाश लटकी होगी। पागल होगी, भागो। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री चलते हैं। भाई ये मुर्दा लोग नहीं आ सकते।
मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मम्मी से बात हुई कि नहीं? आप जल्दी आइए, आपको सब बताता हूँ मैं। हो कहाँ तुम? सर मैं स्टार इंडस्ट्रीज में। ठीक है मैं वहां पहुंचता हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम मोमबत्तियों का एक बड़ा घेरा बनाओ जी, और ठीक उसके बाजू में एक और घेरा बनाओ मगर उससे छोटा, समझे? उसके बाद उस घेरे के अंदर खड़े हो जाओ, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचू तब तक उस घेरे के अंदर रहना, हिलना तक नहीं। क्या कहा था उन प्रोफेसर ने, कब तक आएंगे वो? वो बस कभी भी आते ही होंगे, लेकिन उन्होंने सर्कल से बाहर निकलने को मना किया था। मत जाना। सुना तुमने? कौन हो सकता है? प्रोफेसर ही होंगे। और अगर प्रोफेसर की जगह मरे हुए लोग हैं तो? तुम जाके देखो ना। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। अरे तुम बड़े हो, तुम जाके देखो ना। मैं बड़ा हूं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जाओ जाओ, मुझे जाना प्लीज। देखो एक काम करो, तुम दौड़ कर जाओ, दरवाजा खोल के भाग के जल्दी से वापस आ जाओ। प्रोफेसर साहब हुए और लौट गए तो हम वैसे ही मारे जाएंगे, और अगर वो नहीं हुए तो मैं मारा जाऊंगा। तुम तो इस सर्कल के अंदर खड़े रहोगे ना। देखो कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जल्दी से भाग कर जाओ और दरवाजा खोल दो। जाओ बच्चा, जाओ बच्चा, मैं जा रहा हूँ। जाओ संभाल के जाओ, भागो भागो सुशांत, भागो। बोलो सुशांत, दरवाजा खोलो। अच्छा भागो, भागो सुशांत, भागो सुशांत, भागो सुशांत, तुम्हारे पीछे कोई है सुशांत? जो कोई आ रहा है जल्दी उठो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो, जल्दी उठो, इस घेरे में चलो। जल्दी क्या हुआ? इस जगह पे कुछ आत्माएं भटक रही हैं। यही मुझे उन्हें यहां बुलाना होगा। क्या आप उनको हमारे सामने बुलाएंगे? लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनसे छुटकारा दिला सकूं। आओ मेरे साथ उन आत्माओं को बुलाओ। नहीं, नहीं जाऊंगी।
मॉम। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों अपने बच्चों को परेशान कर रही हो? क्योंकि मेरे ही अपने बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है। हर रोज आपस में लड़ते थे और ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं कोई फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो गेट पे खड़ा रहा हूँ और देखता रहा हूँ कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा। मैं इस कंपनी का MD हूँ। अरे MD हो तो क्या फैक्ट्री के देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब? चोरी मैंने करवाई है। एक तो गलती पे गलती करो, बड़े भाई के नाते मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे से बहस कर रहे हो। बड़ा भाई तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। मैं इस फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। मॉम कौन है? तो आज फैसला हो जाए, सब कुछ अदा दो। अब तुम इस मॉम के पीछे छुपना छोड़ दो। वैसे भी वो सिर्फ हमारे डैड की पत्नी है, हमारी मॉम नहीं है। क्या हुआ? वापस वही झगड़े? चोरी हो गई, साफ हो गया सारा गोडाउन, जो था सब कुछ चला गया, 50 लाख का माल था कुछ भी नहीं बचा, और ये सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? मेरी वजह से? अपूर्व, अपने आप को संभालिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या? देखिए, मैं जानता हूँ आप हमारी सगी मॉम नहीं है। अगर डैड ने आपके साथ शादी नहीं की होती तो आज न जाने आप। सारी जायदाद और पैसे तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट रही हूं। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे ही इन बच्चों में से कोई एक चोर हो रहा है और बाकियों के साथ धोखा कर रहा है। किसी ने मेरी वसीयत बदलकर उसकी जगह नकली वसीयत रख दी है और इसी की वजह से मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। जब तक मेरी असली वसीयत सबके सामने नहीं आ जाती, मैं यहां से नहीं जा सकती। पर फिर आपकी असली वसीयत है कहां? हमारे घर के पीछे जो गार्डन है वहां पर एक पेड़ के नीचे वसीयत दबी हुई है, उसे बाहर निकालो। सारी जायदाद मेरे तीनों बच्चों में बराबर बराबर
बांट दी जाए और हमारा जुहू वाला बंगलो सुशांत को दिया जाए। इतनी बड़ी गेम खेल रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतना नीचे गिर सकते हो। मैं क्यों करूंगा ऐसा कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। शायद तुमने कुछ किया है। नहीं भैया, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोले तुम दोनों। तुम दोनों ने इतना बड़ा नाटक किया, वो भी अपने भाई के साथ। इतना बड़ा नाटक, प्रॉपर्टी खराब करने के लिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। ऊपर से मौत को परेशान किया। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। देखो मॉम, 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 अगर आप यहाँ हैं तो आइए देखिए, मॉम, देखिए दोनों कैसे नाटक खेल रहे हैं। मॉम, ये रही आपकी असली वसीयत, इन दोनों ने बदली थी। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो आपका बेटा हूँ मॉम। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने अपने भाई को धोखा दिया है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मेरे अपने बच्चों को उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आत्महत्या कर ली। सब गए, सबके सब गए, कोई नहीं बचा। काम हो गया। अब सिर्फ मैं हूं और करोड़ों की ये प्रॉपर्टी। हाँ, और तुम इसकी मालकिन। बस तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तुम। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मॉम, आप क्या मॉम, और ये क्या हो रहा है? ये तुमने अच्छा नहीं किया सुशांत, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। क्या मम? और इसके लिए तुमने मुझे अपने ही बच्चों को मारने पे मजबूर किया। गलत किया तुमने, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं मम, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने ही सबों के साथ धोखा किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मम प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम। मारना होगा तुम्हें। मम, आप भूल गए आपने कितनी सेवा की है मेरे। मम, ऐसे नहीं कर सकते। अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा। नहीं, देखिए, मरना होगा तुम्हें। मम, मरना होगा। मम, नहीं, 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 मम, नहीं, नहीं, मम। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।